हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब साफ ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी इस इस वीडियो के अंदर मैंने मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदे इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनिक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग्स ऑफ दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप तो आप लोगों को को एक्शन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी रुटेला राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एक्टर्स बहुत सा, बहुत सारे लेजेंडरी आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब ग्रेट वीर जीनियस तहलका हीरो लव स्टोरी ऑफ अस्पाए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉक भी रही है तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हिंदी जुबान में बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक बार डेफिनेटली देखना चाहिए एंड मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद आनंद राज देखने देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे मिलेंगे एंड सोनू निगम प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब दी ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे के ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदे की ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने

इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के ऐसे फैक्ट बताए हैं के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन जनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को 네. देखने को 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 मिलेगा मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो तो आप लोगों एक्शन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर, पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पर सनी जैसे देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी रुटेला प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सरे, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी

जिनमें आप लोगों को गदर एंड गदर एंड ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी साहब द ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी ऑफ अस्पाय अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करेंगे ये ये किस लैंग्वेज में बनाई गई और अभी कहां पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक बार डेफिनेटली देखना चाहिए एंड मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंतीलाल गदा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज, आनंद राज देखने देखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे मिलेंगे एंड सोनू निगम प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को हिरोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब द ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी इस इस वीडियो के अंदर मैंने मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और कैसे फैक्ट बताए हैं इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो की आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं

इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चने के ऐसे फैक्ट बताए हैं चने की ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहब दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा होगा रोमांस क्या, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी भी देखने को भी देखने को को मिलेगा मिलेगा एंड रोमांस जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहां पर सनी देओल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी रुटेला राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एक्टर्स बहुत, बहुत सारे लेजेंडरी आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है तो

के साथ हम बात करते कि और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब द ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी पाए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करेंगे तो इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक डेफिनेटली देखना चाहिए एंड मूवी जो है है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल

हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे के ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदे ऐसी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के ऐसे फैक्ट बताए हैं के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग्स ऑफ ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई इसका जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या, हो, क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एक्टर्स बहुत सा, बहुत सारे लेजेंडरी आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है तो

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब द ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी ऑफ़ अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए

जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक डेफिनेटली देखना चाहिए एंड मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने, तो शक्ति ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज आनंद को मिलेंगे एंड सोनू निगम देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को हिरोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है प्यारी मूवी सिंह साहब ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे कैसे फैक्ट बताए हैं चंदे कैसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक like के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने

इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के ऐसे फैक्ट बताए हैं चने के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो तो आप लोगों को को एक्शन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ था हम बात करते चले तो पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले गए इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है

जिनमें आप लोगों को गदर वन एंड गदर टू ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब दी ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी ऑफ अस्पाय अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक बार डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशपाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज आनंद को मिलेंगे एंड सोनू निगम देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म्स देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग साफ ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे फैक्ट बताए हैं चंदे ऐसी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनल के ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनल के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो की आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जेनर क्या है हम हाँ इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा होगा ड्रामा रोमांस होगा, होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों ड्रामा भी भी देखने को भी देखने को को मिलेगा मिलेगा एंड रोमांस जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत 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 सारे सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एक्टर्स लेजेंडरी आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है तो

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह दी ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी ऑफ पाय अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहां पर अवेलेबल है? तो ये एक प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने, तो शक्ति ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंतीलाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशपाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज, आनंद राज देखने देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे मिलेंगे एंड सोनू निगम प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग दी ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ

कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये के, के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के ऐसे फैक्ट बताए हैं के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है तो

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी को फसपाए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज आनंद को मिलेंगे एंड सोनू निगम देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब दी ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे के ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदे ऐसी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई है इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड

उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनिक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहां पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है

जिनमें आप लोगों को गदर वन एंड गदर टू ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब दी ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी ऑफ अस्पाय अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशपाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज आनंद देखने को मिलेंगे एंड सोनू निगम देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है कि बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब दी ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे फैक्ट बताए हैं चंदे ऐसी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेश इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के ऐसे फैक्ट बताए हैं चने के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साफ दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हम हाँ इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा, होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी रुटेला प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले गए इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्योरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी को फसपाए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मर्तबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी कहां पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने, तो शक्ति ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज आनंद देखने को मिलेंगे एंड सोनू निगम देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब दी ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे के चंदे ऐसी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेश इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के ऐसे फैक्ट बताए हैं चने के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साफ दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हम हाँ इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सा, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले गए इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी को फसपाए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मर्तबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा एंजॉय करना चाहिए

वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज आनंद देखने को मिलेंगे एंड सोनू निगम देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है कि बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब दी ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ

कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये पर पर देखने को है YouTube पर है स्पेशली ये अवेलेबल या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले आरिशा के इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के ऐसे फैक्ट बताए हैं चने के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग्स ऑफ दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ पर आप लोगों ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो so, कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी को फसपाए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी

गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशपाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज, आनंद राज देखने देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे मिलेंगे एंड सोनू निगम प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है कि बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे के ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदे ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहां पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले

इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के 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 ऐसे फैक्ट बताए हैं ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप आप लोगों लोगों साथ यहां पर शेयर की गई जो के आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी में जिसका जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो तो आप लोगों एक्शन ऑब्वियसली तो बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक पर सनी देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है

जिनमें आप लोगों को गदर वन एंड गदर टू ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब दी ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी ऑफ अस्पाय अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मर्तबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए साथ साथ एंड तो प्योर, प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज, आनंद राज देखने देखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे मिलेंगे एंड सोनू निगम प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब दी ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी इस इस वीडियो के अंदर मैंने मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और ऐसे फैक्ट बताए हैं के इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो की आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जस्ट लाइक like के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वो भी ऐसी वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनिक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका चेनर क्या है क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पा जी है तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहां पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे चे -चे चे बहुत सा, बहुत सारे सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एक्टर्स लेजेंडरी आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले गए इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब ग्रेट वीर जीनियस तहलका दा हीरो लव स्टोरी ऑफ अस्पाए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज मूवीज एंड बहुत सारे के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी ब्लॉक ब्लॉकबस्टर भी रही है तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा एंजॉय करना चाहिए तो एंड प्योर हिंदी, हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंतीलाल गदा देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज, आनंद राज देखने देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे मिलेंगे एंड सोनू निगम प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब साफ ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनिक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग्स दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक like यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहां पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत 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 सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एक्टर्स लेजेंडरी आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी को फसपाए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी ब्लॉक ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए एंड तो प्योर, प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है, है, है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशपाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज, आनंद राज देखने देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे मिलेंगे एंड सोनू निगम प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब साफ ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे कैसे फैक्ट बताए हैं चंदे कैसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले

इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनल चैनल के 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 ऐसे फैक्ट बताए हैं ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई है इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो तो आप लोगों को को एक्शन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक like पर सनी जैसे देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी रुटेला प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे, सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी

जिनमें आप लोगों को गदर वन एंड गदर टू ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब द ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी ऑफ अस्पाय अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए साथ साथ एंड तो प्योर, प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये जो है, वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशपाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज आनंद देखने को मिलेंगे एंड सोनू निगम देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब दी ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी इस इस वीडियो के अंदर मैंने मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदे इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो की आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा होने शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के ऐसे फैक्ट बताए हैं के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा होगा ड्रामा रोमांस होगा, होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी भी देखने को भी देखने को को मिलेगा मिलेगा एंड रोमांस जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो so, कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स को मिलेंगे like मिल जस्ट तो बहुत सा, बहुत इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलेगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब ग्रेट वीर जीनियस तहलका दा हीरो लव स्टोरी ऑफ अस्पाए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉक भी रही है तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा एंजॉय करना चाहिए

वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने, तो शक्ति ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज आनंद देखने को मिलेंगे एंड एंड सोनू निगम देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को हिरोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है कि बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब दी ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे के ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदे ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालोंات के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आरिश कि इस वीडियो को लास्ट तक لازمی से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ لازمی से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के ऐसे फैक्ट बताए हैं के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग्स ऑफ दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने देखने को 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 मिलेगा मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो तो आप लोगों एक्शन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी रुटेला राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एक्टर्स बहुत बहुत सारे लेजेंडरी आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्योरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब ग्रेट वीर जीनियस तहलका हीरो लव स्टोरी ऑफ अस्पाय अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉक भी रही है तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक बार डेफिनेटली देखना चाहिए एंड मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिख की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंतीलाल गदा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशपाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद आनंद राज देखने देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे मिलेंगे एंड सोनू निगम प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब साफ ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे के ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदे की ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने

इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के 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 ऐसे फैक्ट बताए हैं ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप आप लोगों लोगों साथ यहां पर शेयर की गई जो के आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने देखने को 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 मिलेगा मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो तो आप लोगों एक्शन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी रुटेला प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी

जिनमें आप लोगों को गदर वन एंड गदर टू ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब द ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी ऑफ अस्पाय अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करेंगे ये ये किस लैंग्वेज में बनाई गई और अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक बार डेफिनेटली देखना चाहिए एंड मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंतीलाल गदा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज, आनंद राज देखने देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे मिलेंगे एंड सोनू निगम प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग साफ ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चले के ऐसे फैक्ट बताए हैं चले की ऐसी सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने

इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनल चैनल के 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 ऐसे फैक्ट बताए हैं ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई है इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग साफ दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा होगा रोमांस क्या, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को

जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनके पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी जिनमें आप लोगों को गदर वन एंड गदर टू ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंग्स ऑफ द ग्रेट वीर जीनियस तहलका, हीरो, लव स्टोरी अब तुम्हारे हवाले ऐसी ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए बनाई गई मूवी है? तो है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक बार डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंतीलाल गदा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशपाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज, आनंद राज देखने देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे मिलेंगे एंड सोनू निगम प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है कि बहुत ही प्यारी मूवी ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे के ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदे के ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चनेक ऐसे फैक्ट बताए हैं चने के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग्स ऑफ ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई इसका जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो तो आप लोगों को एक्शन ऑब्वियसली तो बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एक्टर्स बहुत सरे बहुत सारे लेजेंडरी आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई एम डी पी रेटिंग क्या है तो

उसी के साथ साथ हम बात करते चले और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब द ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी पाए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए

वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने, तो शक्ति ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज आनंद देखने को मिलेंगे एंड सोनू निगम देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को हिरोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है कि बहुत ही प्यारी मूवी सिंग साफ दी ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे कैसे फैक्ट बताए हैं चंदे कैसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक like के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम के जवाबात आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चनेक ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनिक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो तो आप लोगों को को एक्शन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक like यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एक्टर्स बहुत स... बहुत सारे लेजेंडरी आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्योरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है तो

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब द ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी ऑफ़ अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए

जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशपाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज, आनंद राज देखने देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे मिलेंगे एंड सोनू निगम प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब दी ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे के ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदे की ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है है इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के ऐसे फैक्ट बताए हैं के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साफ दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जेनर क्या है हम हाँ इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा होगा ड्रामा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों

जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है अगर हम उनके पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी जिनमें आप लोगों को गदर वन एंड गदर टू ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंग्स ऑफ द ग्रेट वीर जीनियस, फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बहुत के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशपाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज, आनंद राज देखने देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे मिलेंगे एंड सोनू निगम प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है कि बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे के ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदे ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक like के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है के इस वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और के ऐसे फैक्ट बताए हैं चने के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साफ दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स एक्टर्स बहुत, सा, बहुत सारे लेजेंडरी आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है तो

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब द ग्रेट वीर जीनियस तहलका दा हीरो लव स्टोरी दलका दीरोस्पाए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए

वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने, तो शक्ति ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज आनंद देखने को मिलेंगे ब्रांड सोनू निगम देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है कि बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब दी ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे कैसे फैक्ट बताए हैं चंदे ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक like के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने

इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चने के ऐसे फैक्ट बताए हैं चने के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या, हो क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद हाँ तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप, लोगो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी रुटेला प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है तो

उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी साहब ऑफ ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी को फसपाए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने, तो शक्ति ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशपाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज आनंद देखने को मिलेंगे एंड सोनू निगम देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है कि बहुत ही प्यारी मूवी सिंह ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदे ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक like के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले वाले हैं हैं इन तमाम के आप लोगों को आज वीडियो वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चैनल के ऐसे फैक्ट बताए हैं चैनल के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी में जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे उर्वशी था तो राव और भी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है

जिनमें आप लोगों को गदर वन एंड गदर टू ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब दी ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी ऑफ अस्पाय अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मर्तबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा एंजॉय करना चाहिए उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी जियो सिनेमा पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज, आनंद राज देखने देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे मिलेंगे एंड सोनू निगम प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2013 में रिलीज हो चुकी है कि बहुत ही प्यारी मूवी सिंह साहब ग्रेट को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे के ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदे ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक like के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वाले कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चनेक ऐसे फैक्ट बताए हैं चने के ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2013 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सिंग्स ऑफ दी ग्रेट के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन जिसका जेनर क्या है हम इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जी यहाँ पर आप लोगों को एक्शन तो भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा क्योंकि सनी पाजी हैं तो आप लोगों को एक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हद तक देखने को को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ पर आप लोगों ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा जो कि लिटरली बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो so, कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक like यहाँ पर सनी दियोल देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ साथ हम बात करते चले तो यहाँ पर आप लोगों को उर्वशी प्रकाश राज अमृता राव और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत बहुत सारे, सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है डायरेक्शन को किसने संभाला है आई रेटिंग क्या है

उसी के साथ साथ हम बात करते चले और कौन कौन सी मूवीज हैं तो इनमें आप लोगों को अपने देखने को मिलेगी सिंह साहब ग्रेट वीर जीनियस तहलका द हीरो लव स्टोरी को फसपाए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों महाराजा फरिश्ते ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है तो ये सारी मूवीज ही ब्लॉकबस्टर भी रही हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एटलीस्ट एक, एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक, एक मरतबा इंजॉय करना चाहिए

वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए एंड ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही बनाई गई है अगर हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो शक्तिमान तलवार की तो शक्तिमान तलवार ने लिखी एंड प्रोड्यूसर में आप लोगों को अनुज शर्मा संगीता आहिर और जयंती लाल गधा देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को एस गोपीनाथ ने संभाला एंड एडिटिंग को अशफाक मकरानी ने हैंडल किया म्यूजिक डायरेक्शन में आनंद राज आनंद देखने को मिलेंगे देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को पैन स्टूडियोज और मंगल मूर्ति फिल्म देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को रोज इंटरनेशनल में देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखने